अगर लिंग में तनाव नहीं आता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं, उसको भी ठीक कर सकते हैं और काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। आज मैंने लिया है सरसों का तेल, जो कि इजीली अवेलेबल होता है, साथ में आप लौंग ये लेना है, इसको आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं, आप जब भी लगाएं सबसे पहले अपने लिंग को अच्छे से क्लीन कर लें, कोई भी उसमें डस्ट पार्टिकल या वो फंगल इन्फेक्शन ना हो। और मसाज करने का तरीका इस तरीके से है कि आपको अपने हाथों में इस तरीके से लेना है और अपने लिंग की इस तरीके से, जैसे आप आटा गूंथते हैं इस तरीके से आपको लिंग को दबाना है, जिससे क्या होगा कि आपका जितनी भी उंगलियाँ हैं उससे आपके लिंग पर प्रेशर पड़ेगा और आपका हर एक पार्ट, हर एक नसें खुलेंगी, और आपके हर एक नसें खुलने की वजह से ब्लड फ्लो पड़ेगा और आपका लिंग लंबा मोटा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह रेमेडी 40-60% तक के लोगों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी गई है। कम से कम आपको इसके लिए 2-3 महीने रेगुलर आपको दिन में रूटीन बनाना है, कम से कम आप एक बार इसकी मसाज करें। दोस्तों, मसाज करना सबसे बेस्ट टाइम आपको मैं रिकमेंड करूँगा, रात में आप मसाज करें। मसाज करने के बाद आप उसको लिंग को ठंडे पानी से धोना नहीं है, क्योंकि जब आप मसाज करेंगे, और मसाज करने का कम से कम ड्यूरेशन 5-6 मिनट तक का, आप मसाज करने के बाद ठंडे पानी से धोना नहीं है, मास्टरबेशन नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है सेक्स करने की तो आप सेक्स कर सकते हैं, और आपको ठंडे पानी से धोने से बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप मसाज करते हैं तो आपका जो ब्लड है, आपका खून लिंग में आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बंद नसें थी वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो मैं आपको एक पेनिलर ऑयल आपको रिकमेंड करूँगा, जो कि स्पेशली पेनिस एनलार्जमेंट के लिए बनाया गया है। बाकी अगर आप घरेलू नुस्खा ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आप मसाज करें, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसके अलावा कोई समस्या है या आपको सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को भी आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच।